Today we will understand numerosity reduction. This topic comes under data reduction strategies. So data reduction strategies में हमने जो topics पढ़े हैं वो है data cube aggregation और dimensionality reduction. तो अब हम ये समझेंगे कि numerosity reduction क्या होता है. इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को किसी न किसी मॉडल में फिट करते हैं. तो मॉडल क्या होता है? मॉडल नॉर्मली हमारा यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन होगा. तो जैसे मान लिया हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल यूज होता है जो कि न्यूमेरोसिटी रिडक्शन के लिए यूज होता है. और इसमें जैसे मान लिया हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में हमारे पास बहुत सारी नंबर वैल्यूज गिवन है. तो एक तो तरीका है कि हम इन नंबर्स को स्टोर करें, और दूसरा तरीका ये है कि इन नंबर्स को अगर हम किसी ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे कि एक लाइन के फॉर्मेट में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट लाइन विल बिकम द मॉडल एंड वी विल स्टोर दैट लाइन इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दीज लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. तो जैसे कि हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो मॉडल है या फंक्शन है या इक्वेशन है इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कभी कभी हमारे पास जो एक से ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं तो हमारा मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. जैसे कि y इज फंक्शन ऑफ x एंड y, टू पैरामीटर्स. सिमिलरली y कुड बी फंक्शन ऑफ n नंबर ऑफ पैरामीटर्स. सो दीज विल बी मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. और इसी तरह से हम ग्राफ के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, या फिर कोई पैराबोलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ऑल दीज आर मॉडल्स फॉर न्यूमेरोसिटी रिडक्शंस. तो ये हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो पैरामीट्रिक और दूसरा नॉन पैरामीट्रिक. तो पैरामीट्रिक के अंदर हम केवल पैरामीटर्स को स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द होल डेटा. तो इसलिए इसका साइज जो है रिड्यूस हो जाता है. इसके एग्जांपल है जैसे लॉग लीनियर मॉडल है जो कि डिस्क्रीट मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टोर करता है, और दूसरा नॉन पैरामीट्रिक मॉडल. तो नॉन पैरामीट्रिक मॉडल में हम या तो हिस्टोग्राम के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्लस्टरिंग के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लस्टरिंग भी एक ग्राफिकल फॉर्म होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का. और अगला है कि हम डेटा को सैंपलिंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो पैरामीट्रिक में हमारे पास दो मॉडल्स हो गए यहाँ पे फिलहाल, रिग्रेशन और लॉग लीनियर मॉडल. तो इसमें क्या है कि एक अगर हमारा कोई सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है तो उसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज हमने यहां पे मेंशन किया है कि इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वी रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. दूसरा हमारे पास जो होता है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है, और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की हेल्प से बनता है. यानी कई सारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज करके हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं, और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं. तो उस टाइम पे जैसे मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, तो अगर हमारे पास फंक्शन जो है यानी दो पैरामीटर्स है तो हम दो पैरामीटर्स का फंक्शन बना लेते हैं, और y जो है हमारा इसको हम ये बोलेंगे कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दैट इज z इज फंक्शन ऑफ पैरामीटर x एंड y. तो z हमारा रिस्पांस वेरिएबल हो गया. तो इस तरह से हम मल्टीपल लीनियर मॉडल की हेल्प से भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. और अगला है हमारा लॉग लीनियर मॉडल जो कि हमारी डिस्क्रीट मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. लॉग लीनियर मॉडल में हम मल्टी डायमेंशनल स्पेस में एक तो इसको यूज करते हैं, और मल्टी डायमेंशनल स्पेस में जो पॉइंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. और अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, और आगे हम देखते हैं.
Next is histograms for numerosity reductions. हिस्टोग्राम्स हमारे बीनिंग मेथड्स यूज करते हैं डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए कि यानी कि हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बीनिंग मेथड यहाँ पे यूज करते हैं और उसको फिर हम हिस्टोग्राम्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने बीनिंग मेथड में देखा था कि हमारे पास कई सारे बीन्स होते हैं यानी कि बकेट्स होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे जो डिफरेंट बीन्स होंगी बकेट्स होंगी वो एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर होंगी, एट्रीब्यूट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का पेयर होगी, यानी कोई वैल्यू वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे साथ साथ हम उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे कि कितनी बार आया है, तो इस तरह से करके हम डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक बिन के अंदर मान लिया हमारे पास 2 2 2 5 टाइम्स है, तो अगर हम रिडक्शन टेक्निक नहीं यूज करते तो क्या होगा कि हमें 2 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जबकि हम इसके अकॉर्डिंग हम 2 और 5 लिख लेंगे, यानी 2 और नेक्स्ट इज 5 डिनोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। इसी तरह से करके हम डेटा को रिड्यूस करते हैं और इसको हम सिंगलटन बकेट बोलते हैं। सिंगलटन बकेट का यूज हम आउटलायर के लिए यूज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम्स आर हाईली इफेक्टिव टू मॉडल द अप्रॉक्सीमेट बोथ स्पार्स एंड डेंस डेटा, यानी हमारे पास स्पार्स डेटा हो डेंस डेटा हो तो उसको हम हिस्टोग्राम की हेल्प से मॉडल कर सकते हैं। हाईली स्क्यूड डेटा हो यानी कि डेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो उसको हाईली स्क्यूड डेटा बोलते हैं, तो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर यूनिफॉर्म डेटा हो तो उसको भी हम हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।